हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देख रहे हैं वो इवेपोरेटिव कंडेंसर देखने वाले। इवेपोरेटिव कंडेंसर किस तरीके से काम करता है? सो बेसिकली कंडेंसर होते हैं वो बेसिकली चार टाइप के होते हैं। एक होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, फिर होता है वॉटर कूल्ड कंडेंसर, और होता है सैलेंट ट्यूब टाइप कंडेंसर। ठीक है, इसमें सर जो एयर कूल्ड, वॉटर कूल्ड और सैलेंट ट्यूब है, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ सैलेंट ट्यूब कंडेंसर की एक बार शायद ड्रॉइंग पूछी गई हुई है, तो मैं आपको इसके लास्ट में समझा दूंगा। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडेंसर है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, दैट इज इवेपोरेटिव कंडेंसर। सो इसलिए मैं यहाँ पे इवेपोरेटिव कंडेंसर को लेने वाला हूँ। सो सबसे पहले इवेपोरेटिव कंडेंसर काम कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। तो ये आप जो देख रहे हो दैट इज कंडेंसर कोयल है। जो कंडेंसर कोयल में क्या होगा, हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा, वहां अपनी हीट रिजेक्ट करेगा और बाहर निकलेगा, तब वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा। ठीक है, सो हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इन, लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल बी आउट। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ कंडेंसर कोयल। सो यहाँ पे कंडेंसर कोयल लिखा हुआ है ना। उसके बाद है कि आप यहाँ पे देख लो, अब ये यहाँ पे मैंने कूलिंग पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे कूलिंग पॉन्ड रखा हुआ है, तो तालाब है पानी का, इज अ कूलिंग पॉन्ड। अब कूलिंग पॉन्ड से क्या होता है कि हम इस पानी को खींचते हैं, किसकी थ्रू, पंप के थ्रू। ये क्या करेगा पंप, ये पंप है, ये यहाँ पे पूरे पानी को खींचेगा। पानी को खींच के वो कहां पे ले आएगा, वॉटर नोजल पे। आप जो देख रहे हो ये वॉटर नोजल है, दिस इज द वॉटर नोजल, ठीक है। सो ये वॉटर नोजल है, वॉटर नोजल को पानी कहां से मिलता है, कूलिंग पॉइंट होता है, वहां पे पंप के थ्रू वॉटर नोजल पे आता है। वॉटर नोजल क्या करेगा, इस पे पानी छिड़केगा, ठीक है, इस तरीके से पानी छिड़केगा इसके ऊपर। अब ये जब पानी छिड़केगा इसके ऊपर, तो पानी है वो कंपैरेटिवली क्या है, वो ठंडा है पानी। तो अब होगा क्या कि ये पानी है, ये एक ट्यूब होता है कंडेंसर कूल, उसके अंदर क्या होता है, हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये कंडेंसर कोयल है, उसके अंदर हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है। अब क्या हो रहा है, उसके ऊपर पानी गिरेगा, ट्यूब के अंदर हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है, कंडेंसर कोयल के अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है, उसके ऊपर पानी छिड़केंगे हम। तो होगा क्या कि जब हम वॉटर का स्प्रे करेंगे तो क्या करेगा कि वॉटर है वो हीट एब्सॉर्ब कर लेगा, किसकी, तो के जो हॉट वेपर है, हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है ट्यूब के अंदर, उसके सरफेस के थ्रू वो हीट एब्सॉर्ब कर लेगा। तो होगा क्या कि वेपर रेफ्रिजरेंट है, अपनी हीट है वो वॉटर को दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा, वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्टेड टू लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और वो बाहर आ जाएगा। अब जबकि ये वॉटर स्प्रे हो रहा था, ट्यूब के ऊपर वॉटर का स्प्रे होगा, ठीक है, तो ट्यूब के सरफेस थ्रू ही ट्रांसफर होगा, दोनों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो आपका ट्यूब के अंदर है, वॉटर ट्यूब के बाहर गिरता है, लेकिन उस दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर का मीडियम है वो ट्यूब की सरफेस है, ठीक है। अब होगा क्या कि ट्यूब की सरफेस के ऊपर जो वॉटर था उसने हीट एब्सॉर्ब करी हुई है, वेपर रेफ्रिजरेंट की सरफेस के ऊपर की, ठीक है, वो हीट एब्सॉर्ब करी हुई है वॉटर ने, तो वो वॉटर कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। सो वॉटर विल बी कन्वर्टेड टू वेपर, तो अब ये वॉटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वॉटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर उठ जाएगा वॉटर वेपर। अब होता क्या है, हम यहाँ पे एक फैन भी रखते हैं, ये आप जो देख रहे होते हैं इसको बोला जाता है आईडी फैन, इसको बोला इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। अब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का फैन का काम क्या होता है कि वो एयर को सब करवाता है, अपनी तरफ एयर सब करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एयर इन हो रही है दोनों तरफ से, तो एयर कहां पे जाएगी, हाई वेलोसिटी एयर ऊपर की तरफ की जाएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन उसको अपनी तरफ सब करेगा। इसका फायदा क्या है, अब वाटर तो स्प्रे कर रहे हैं पर एयर ऊपर जाएगा तो फायदा क्या होगा, इससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्यों, कि ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर होगी, क्यों होगी, इसके पीछे साइक्रोमेट्री का कंसेप्ट है। अगर आपने साइक्रोमेट्री नहीं पढ़ा होगा तो मैं लास्ट लेक्चर है मेरा साइक्रोमेट्री, वहां पे पढ़ लीजिए। अब साइक्रोमेट्री होता क्या है कि जब ये आपने देखा कि यहां पे वाटर वेपर होगा, ठीक है, तो जब एयर होती है ना पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकती है। अब होगा क्या, जब एयर आएगी ना तो अपने साथ वाटर वेपर को भी ऊपर ले जाएगी, तो यहां पे अब वाटर वेपर खाली हो जाएगी। तो होगा क्या कि अब और वाटर वेपर ऐड हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन वाटर का बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई ये आप हाई वेलोसिटी एयर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाए। अगर आपने साइक्रोमेट्री अच्छी तरीके से पढ़ाया ना तो अब मेरे कहने का मतलब समझ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एयर आएगी वाटर वेपर को ऊपर ले जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पे एलिमिनेटर्स रखा हुआ होता है, तो एलिमिनेटर्स क्या करता है, वाटर वेपर को ट्रैप कर देता है, सिर्फ एयर ही बाहर चली जाती है एटमोस्फेयर के अंदर, और फिर ये जो एलिमिनेटर है वाटर वेपर वो जो उसने ट्रैप करके रखी हुई है वो बाद में कंडेंस हो जाएगी और फिर से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो काम करती है, इसलिए इसको इवेपोरेटिव कंडेंसर बोलते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने वाला था कि एयर कूल कंडेंसर क्या होता है। बेसिक चीज है एयर कूल कंडेंसर, इस तरीके से कंडेंसर कोयल होती है लाइक दिस। अब समझ लो यहां पे हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है, सो यहां से जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, कोल्ड वेयर, यार उसको मैं बोल सकता हूं लिक्विड रेफ्रिजरेंट
आउट। मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको पढ़ाने वाला भी नहीं हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। अब एयर कूल्ड होगा तो आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके सिंपल से आपको कंडेंसर कोयल दिखानी है और फिर क्या बताना है कि उसका कूलिंग एयर के थ्रू हो रहा है। सो आप यहां पे एक फैन आपने रखा हुआ है जो हाई वेलोसिटी एयर को इसके ऊपर फेंकता है, ठीक है। तो क्या करेगा एयर, एयर होगी वो यहां से वेपर रेफ्रिजरेंट की हीट एब्जॉर्ब करके वो चली जाएगी, तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज एयर कूल्ड रेफ्रिजरेंट। अब आपको इसको बोले कि वाटर कूल्ड रेफ्रिजरेंट क्या है, ठीक है। तो वाटर कूल्ड रेफ्रिजरेंट है तो इस तरीके से होगा। मान लो कि दिस इज योर रेफ्रिजरेंट कोयल, यहां से वेपर रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है और यहां से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे आपने इसको इमर्स करके रखा है, पूरी ट्यूब को आपने इमर्स करके रखा है वाटर के अंदर। सो ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाटर कूल्ड रेफ्रिजरेंट। तो वाटर क्या करेगा, ये अभी ट्यूब है वो इमर्स करी हुई है, सो वाटर है वो हीट एब्सॉर्ब कर देगा। सो रेफ्रिजरेंट की जो बाहर निकलेगा वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा। सो दिस इज वाटर, सो दिस इज नोन एज वाटर कूल्ड रेफ्रिजरेंट। समझ में आ गया, इसको फालतू चीज है पर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपको जो समझना था वो आपने समझ लिया। फिर होता है साइलेंट ट्यूब कंडेंसर। ये ZTU के एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाता है इसकी ड्रॉइंग, तो आपको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूं साइलेंट ट्यूब कंडेंसर होता क्या है। सबसे पहले आपको एक सेल ड्रॉ करना होता है लाइक दिस। इसका कई बार ZTU के अंदर पूछा गया है तो आपको पूछा जाएगा, तो इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ सेल। अब इसके अंदर होती है ट्यूब्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स होती है इसके अंदर। ये पहली ट्यूब ले लो आप, फिर दूसरी ट्यूब, इस तरीके से नंबर ऑफ ट्यूब्स होती है। तो होता क्या है कि वन ऑफ द जो हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड होता है, हॉट फ्लूड अपना वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, ठीक है। सो वन ऑफ द फ्लूड इज इन द ट्यूब एंड अनदर फ्लूड इज आउटसाइड द ट्यूब। सो मान लो कि यहां पे हॉट फ्लूड है वो क्या है, ट्यूब के अंदर है, ठीक है। हॉट फ्लूड होता है वो ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी, अब यहां से हॉट फ्लूड है, सबसे पहले तो हमने हॉट फ्लूड को इन करवाया होगा, हॉट फ्लूड इन। अब ये हॉट फ्लूड इन होकर इसके अंदर जाता होगा पूरे ट्यूब के अंदर, फिर क्या होगा, उसका कूलिंग हो जाने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। सो हम इसको लिखेंगे यहां पे कोल्ड फ्लूइड आउट, ठीक है। अब ये हॉट फ्लूड इन, जिसका ट्यूब में कूलिंग होने के बाद वो हीट रिजेक्ट करेगा कोल्ड फ्लूड। अब हॉट फ्लूड है उसका कूलिंग हो रहा है तो कोई तो करवाता होगा ना। सो हमें यहां पर लिखना है कोल्ड वॉटर इन, इसका हम वॉटर से कूलिंग कर रहा है, कोल्ड वॉटर इन। तो अब क्या होगा, ये सेल के ट्यूब के बाहर होगा इस तरीके से, तो इस तरीके से उसका पूरा कूलिंग करेगा और फिर जो कोल्ड वॉटर है वो निकल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कोल्ड वॉटर इसका कूलिंग करके बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, हॉट वॉटर आउट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चीज काम कर सकती है। अगर आपने यहां पे वॉटर की जगह पे एयर रखी होती तो यहां पे बैफल्स भी होते कभी कभी इस तरीके से, लाइक जिसे बेफल्स क्यों होते हैं, ताकि आप एयर पूरी तरीके से ट्यूब के पूरे सरफेस एरिया को कवर कर सके फॉर इफेक्टिव हीट ट्रांसफर। तो आप एक बार अपने बुक में देख लेना साइलेंट ट्यूब, क्योंकि इसकी ड्रॉइंग पूछी जाती है, इसलिए साइलेंट ट्यूब कंडेंसर एक बार देख लेना, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो पढ़ाना था वो तो यूपीटीस पढ़ाना था, लेकिन आपको मैंने समझा दिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।